आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। टीम केसीआर के आरोपों के बाद तेलंगाना के बीजेपी प्रमुख ने नीले कपड़ों में ली शपथ। बांडी संजय कुमार ने कहा, विधायकों की खरीद फरोख्त में शामिल नहीं था। बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी का दावा, कहा ममता सरकार ने आरबीआई से मांगा 10,000 करोड़ का लोन। दिल्ली में इंडिगो प्लेन के इंजन में लगी आग, बेंगलुरु के लिए टेक ऑफ करते समय उड़ी चिंगारियां। बिहार के औरंगाबाद में गैस सिलेंडर फटने से 30 झूल से 10 गंभीर, छठ का प्रसाद बनाते समय लीक हुई गैस। एकनाथ शिंदे का उद्धव ठाकरे पर एक और बाउंसर, महाविकास आघाड़ी के 25 नेताओं की सुरक्षा हटाई। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ आज अपने आवास पर छठ पूजा को लेकर अधिकारियों के साथ एक बड़ी बैठक की है, जिसमें छठ पूजा के दौरान कई की गई व्यवस्था की जानकारी ली और अधिकारियों को व्रतियों को कोई असुविधा ना हो इसके लिए दिशा निर्देश भी दिए हैं। बता दें, छठ पूजा को लेकर अधिकारियों के साथ सीएम योगी ने बैठक की है, जिसमें उन्होंने कई दिशा निर्देश दिए हैं। छठ पूजा के दौरान की गई व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बड़ी बैठक की है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विवांशु हमसे जुड़ेंगे। विवांशु, छठ पूजा को लेकर सीएम योगी ने बड़ी बैठक की है। जी, मैं भी आपको बता दें कि 4 दिन तक चलने वाले छठ महापर्व के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 10 बजे से अपनी आवास पे बैठक कर रहे हैं, जिस बैठक में ये तय किया जा रहा है कि छठ पूजा में कैसे व्यवस्थाएं की जाएंगी और क्या क्या सुरक्षा की दृष्टि से कैसे कैसे किन जगहों पर किस तरह से व्यवस्थाएं करनी, इसको लेकर वो अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि अगर देखें तो उत्तर प्रदेश के 75 जिलों को भी यहाँ से निर्देश भी जा सकता है बैठक खत्म होने के बाद, कि आपको कैसे छठ पूजा को देखते हुए छठ पूजा की दृष्टि से कैसे आपको व्यवस्थाएं करनी है। अब मैं भी आपको बताया कि 4 दिन चलने वाला ये त्योहार उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, नेपाल समेत कई देशों में भी फैल चुका है और आज के समय अगर बात की जाए तो विश्व भर में छठ पर्व का एक अलग ही महत्व के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं आपको बताएं कि कल से इस त्योहार की शुभारंभ हो गई है। अगर बात करें तो नहाए खाए और दूसरे दिन अगर बात करें तो खरवन, तीसरे दिन बात करें तो डूबते हुए सूर्य को अर्घ देना और चौथे दिन समापन के दिन यानी कि उस दिन उगते हुए अर्घ देकर और 36 घंटे का जो निर्जला व्रत रहते हैं छठ पर लोग और तमाम जो श्रद्धालु है वो चौथे दिन अपने व्रत का उपवास को तोड़ते हैं, उस दिन उपासना का दिन कहा जाता है। वहीं आपको बता दें कि कल अगर बात करें तो कल राजधानी लखनऊ में आपको प्राइम टीवी ने दिखाया कि छठ घाटों को कैसे सजाया गया है। अगर बात की जाए तो लखनऊ के ऐतिहासिक लक्ष्मण मेला मैदान में सालों से छठ का आयोजन हो रहा है, जहां सूबे के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जाकर वहां का निरीक्षण किए, जायजा लिए और उसके ठीक बाद आज सुबह 10 बजे से मुख्यमंत्री आवास पर छठ पूजा की तैयारियों को लेकर दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। अगर बात की जाए तो जिस क्षेत्रों पर, जिस घाटों पर ज्यादा भीड़ होगी वहां पर पुलिस लगाकर और पूरी व्यवस्था की निगरानी रखी जाएगी और सभी जो लोग होंगे उनके सुरक्षा की दृष्टि से और साथ ही साथ जहां पे नगर निगम है, जहां पंचायत नगर पालिका है, नगर पंचायत है, उनको भी नगर विकास मंत्री की तरफ से पहले से ही आदेश दिया जा चुका है कि घाटों की सफाई और साथ ही साथ वहां
सड़कों की सफाई उसको जोड़ने वाली और बिजली की व्यवस्था सुचारू ढंग से चलाई जाए, इसको लेकर सूबे के विद्युत मंत्री और साथ ही साथ नगर विकास मंत्री ए के शर्मा ने कल इसको लेकर दिशा निर्देश जारी किया था और कल वो लखनऊ के लक्ष्मण मेला मैदान जाकर वहां पे भी निगरानी भिवानसु छठ पूजा को लेकर आज सीएम योगी बैठक कर रहे हैं, तो सीएम द्वारा अधिकारियों को क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं? जी अगर बात की जाए तो अभी बैठक चल रही है मयूरी जी, और माना ये जा रहा है कि सुरक्षा और साथ ही साथ सफाई एवं तमाम जो गाइडलाइन होते हैं उसको लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया जाएगा। और दिशा निर्देश की अगर बात करें तो आमतौर पर जब पिछली बार छठ था तब योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से कहा गया था कि घाटों पर जो अजावक तत्व होते हैं, जो शरारती तत्व होते हैं, उनको पनपने न दिया जाए और पूरी तरह से हर एक जो है जहाँ पे जो जिस घाटों पर भीड़ ज्यादा होती है, ज्यादा की संख्या में लोग वहाँ अपने श्रद्धा को लेकर पूजा अर्चना के लिए आते हैं, तो उन सब जगहों पर यूपी पुलिस के जवान निगरानी रखते हुए नजर आए थे। और इस बात भी माना यह जा रहा है कि पुलिस को भी ये जिम्मेदारी दी जाएगी कि सुरक्षा व्यवस्था पर पूरी तरह से ध्यान दे। अगर बात करें तो जो लोकल बॉडी होगी या नगर निगम होगा या नगर पंचायत या महापंचायत या जो भी वहां पे नगर निगम की पालिकाएं काम करती होंगी उनको भी निर्देश दिए कि साफ सफाई की व्यवस्था की जाए और बिजली की बेहतर इंतजाम किए जाए। कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये छठ पर्व उत्तर प्रदेश, बिहार, नेपाल और साथ ही साथ बंगाल समेत कई राज्य, झारखंड समेत कई राज्यों में मनाया जाता है और उत्तर प्रदेश में भी इसका अब देखा जाए तो एक बेहद खास महत्व है। आस्था श्रद्धा इस त्योहार के रूप में इसे देखा जाए तो हिंदी रीति रिवाज के अनुसार से महापर्व के रूप में मनाते हैं, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो, छठ घाट पर कोई दिक्कत ना हो, इसको लेकर दिशा निर्देश देंगे। साथ ही साथ आपको बताएं मयूरी कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो आज के समय मुख्यमंत्री हर एक त्योहार हो, कोई कार्यक्रम हो, उससे पहले बैठकर और पूरे सक्रियता के साथ दिशा निर्देश देते हैं। उसी क्रम में आप छठ को लेकर क्या निर्देश देते हैं वो कुछ ही समय के अंदर बैठक खत्म होने के बाद बाहर होगा, मगर कहीं ना कहीं जो सुरक्षा है, सफाई है और साथ ही साथ बेहतर ढंग से बिजली की सुचारू व्यवस्था है, इसको लेकर मुख्यमंत्री दिशा निर्देश दे सकते हैं। जी धन्यवाद भिवानसु तमाम जानकारियों के लिए। पावन पर्व छठ पूजा का आज दूसरा दिन है। इस दिन को खरना कहा जाता है। खरना के दिन छठी मैया के लिए गुड़ की खीर का खास प्रसाद बनाया जाता है। खास बात यह है कि खीर मिट्टी के चूल्हे पर तैयार की जाती है। प्रसाद तैयार होने के बाद सबसे पहले व्रती महिलाएं इसे ग्रहण करती हैं। इसके बाद इसे दूसरों में प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। लखनऊ में छठ पूजा की तैयारियों का जायजा लेने नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह लक्ष्मण मेला पहुंचे, जहां नगर आयुक्त ने साफ सफाई, लाइटिंग, पार्किंग, महिलाओं को लेकर शौचालय और डेंगू को लेकर व्यवस्था की जांच की। आपको बता दें कि इसके बाद नगर आयुक्त ने घाट पर जायजा लिया। वहीं लखनऊ को 10 जोन में बांटा गया है। छठ पूजा के लिए 30 तारीख को सीएम योगी आदित्यनाथ भी लक्ष्मण मेला पार्क पहुंचेंगे। रामपुर में आजम खान को स्थानीय एमपी एमएलए कोर्ट ने हेट स्पीच मामले में 3 साल की सजा सुनाई है, जिसके बाद उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द करने के लिए स्थानीय भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने विधानसभा अध्यक्ष सहित कई उच्च स्तरीय अधिकारियों से मांग की थी, जिसके बाद मामले को संज्ञान में लेते हुए स्पीकर ने सदस्यता रद्द कर दी है। जिसमें आजम को 3 वर्ष की जो सज़ा दी गई थी उसी के मद्देनज़र हमने आज चुनाव आयोग से हमने मांग की थी कि नियम के अनुसार इसमें कार्रवाई होनी चाहिए और आजम की जो सदस्यता है उसको समाप्त किया जाना चाहिए।
बिजनौर में बीजेपी के नगर अध्यक्ष के भाई को दो संदिग्ध युवकों ने पैर में गोली मार दी। इस घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। गोली चलने से सड़क पर अफरा तफरी का माहौल हो गया और आनन फानन में घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक पुलिस बल के साथ अस्पताल पहुंचे और घटना को संज्ञान में लेते हुए फरार युवकों की पकड़ के लिए तलाश में जुट गए। शहर बिजनौर नई बस्ती निवासी राजीव गुप्ता जी के पैर में गोली लगी। सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस पहुंची, हम लोग भी सब अस्पताल आए। इनका कहना है कि दो संदिग्ध रहते थे जिनके लिए हल्ला मची थी कि इनको पकड़ो पकड़ो। उनको रोकने का इन्होंने प्रयास किया, स्कूटी पर स्वयं थे ये। इनका यह कहना है कि उसने पीछे मुड़ के एक ने गोली चला दी जो इनके पैर में निचले हिस्से में लगी है पैर में। ये सुरक्षित हैं, इनका मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है, हमारी टीम लग गई है। जो भी इनकी तहरीर मिलेगी उसके आधार पर अभियोग पंजीकृत करके अग्रिम कार्रवाई। हरदोई में दबंगों की दबंगई सामने आई है। आपको बता दें कि युवक को दबंगों ने पहले युवक के साथ मारपीट की और उसके बाद लूटपाट भी की, जिसके बाद पीड़ित युवक के पिता एसपी ऑफिस पहुंचे, जिसके बाद पीड़ित युवक के पिता ने बताया कि पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। दुकान पे सेलमैनी का काम करता है, वो तो रात में 8:30 बजे घर को आ रहा था, उसके साथ पैसे भी थे साथ में। कुछ अज्ञात लोगों ने रास्ते में घेर कर उसको मारा पीटा, पैसे भी छीन लगे। तो लड़के ने पहचान तो लिया रात में, पर इसलिए नहीं कहा कि वो मार देते। बाद में अस्पताल में उसको भर्ती कराया करें, उसके बाद में थाने गए हम, क्योंकि थाने में ड्राइवर ने मुझे। कुशीनगर में कसिया थाना क्षेत्र के जिगना गांव के समीप धान के खेत में युवक की अर्धजला शव मिला। वहीं जब कुछ ग्रामीण टहलने के लिए निकले तो उन्होंने देखा कि एक अर्धजले शव को जानवर खा रहे थे। लोगों ने इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी। सूचना पाकर पहुंची पुलिस घटना की जांच में जुट गई। थाना कस्या अंतर्गत सिंहपुर गांव में एक व्यक्ति की जो है शव मिला था, उसे जलाने का प्रयास किया गया था और उसकी पहचान स्थापित हो गई है। वो नूर सलाम सुखवनिया के कस्बा बड़िया छापर मोहल्ले का रहने वाला है और प्रकरण में परिजन द्वारा जो है नामजद दो अभियुक्तों के विरुद्ध तहरीर दी गई है। प्रकरण में शव को पोस्टमार्टम के लिए तथा इसमें अभियोग पंजीकरण कर लिया गया है और अग्रेतर विधि कार्रवाई की जा रही है। देवरिया में पुलिस ने लूट की घटना का खुलासा किया। आपको बता दें कि पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घटनास्थल से अवैध कारतूस भी बरामद किया गया है। खबर अलीगढ़ से है, जहां दो पक्षों में धान की खेत से पानी निकासी को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर फायरिंग कर दी। इस झगड़े में दोनों पक्ष के कई लोग घायल हो गए, जिन्हें सूचना पर पहुंची पुलिस ने इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। डीएसपी अभय कुमार पांडे ने घटनास्थल का निरीक्षण कर उपद्रवियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। हम लोग सब घर पे थे और हमारे गाँव के राजेश पुत्र कुमरपाल और सतीश पुत्र सुगर सिंह और रोहित पुत्र राजेंद्र और तेजवीर पुत्र मोहनलाल जी और घर पर चढ़ के मारपीट करने लगे और फायरिंग करने। 5-7 राउंड फायरिंग हुई, हम लोग घर में बंद कर ले और जो कि मेरे भाई की पत्नी के गोली सर इन्होंने गोली मारी निकलते हुए। मैं और मेरे पापा साथ में आ रहे थे, गोली तो मुझ पर मारने की संभावना थी लेकिन मेरे पापा ने मेरी जेब भर ली, उस कारण मेरे पापा की गोली गई बजे मुझे मारने के लिए। कोई पुराना दुश्मनी चली आ रही है क्या है? हाँ पुरानी दुश्मनी चली। जे मतलब दूध लेके जा रही थी और वहाँ से दूध लेके निकल के आई और उस फल्ला से गोली आई है। तो क्या किसने मारी है? जब गोली मारी है उन्होंने कुमरपाल के लड़के राजेश।
क्या मामला, कोई रंजिश ही आपको? कोई रंजिश नहीं है, जो पानी के पीछे कर लेने का, जैसे पानी लिकास हो जालम को, हमारे जेठते है पानी के लिकास, हमारे जेठते हुई है तो वो पान नाले को लिका रखे तेरे मतलब। क्या राउंड फायरिंग हुई है? है? कितने राउंड फायरिंग की है? बहुत तो आए, बहुत तुम फायर तो बहुत भाई। खबर हरदोई से है जहां शराब व्यापारी से दबंगों ने मारपीट के साथ ही 65,000 रुपए की लूट की है। व्यापारी के परिजनों ने बताया कि दबंगों ने उधार शराब ना देने पर इस घटना को अंजाम दिया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल व्यापारी को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है और दबंगों की गिरफ्तारी के भी सख्त निर्देश जारी किए हैं। जेंडर ब्राउन सारा देश रात की दुकान पे सेलमैनी का काम करता है। वो तो रात में 8:30 बजे घर को आ रहा था, उसके साथ पैसे भी थे साथ में। कुछ अज्ञात लोगों ने रास्ते में घेर कर उसको मारा पीटा, पैसे भी छीन लगे। तो लड़के ने पहचान तो लिया रात में, पर इसलिए नहीं कहा कि वो मार देते, बाद में अस्पताल में उसको भर्ती कराया करें। हरदोई में कोतवाली शहर थाना क्षेत्र के गांव भादैचा में हुए डबल मर्डर में पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। कोतवाली शहर पुलिस ने सनसनीखेज घटना का खुलासा करते हुए हत्याकांड को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किए जाने की सूचना प्रेस वार्ता कर जानकारी दी है। थाना कोतवाली शहर में ग्राम भादैचा है, उसमें रहने वाले बाबू सिंह, उनके पुत्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और साथ ही साथ उनके परिवार के 2 लोग और एक पड़ोस में रहने वाले को घायल कर दिया गया था। इस संबंध में जो घायल पुत्र है उसकी तहरीर पर गांव के ही गुड्डू सिंह, उनके 2 पुत्र और एक परिवारी को नामजद किया गया था। इनकी जो है हरदोई पुलिस द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी के लीडरशिप में कई टीमें गठन की गई थी इनके अरेस्ट के लिए, जो कि विगत रात्रि में जो इसमें मुख्य अभियुक्त है गुड्डू सिंह और उनके 2 पुत्र गिरफ्तार किए गए। उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।